की बात है, जब मैं अपना पार्कौर करने जा ही रहा था, तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने तो तुमको एक चीज दिखाई नहीं है भाई, जो मैंने खुद बिल्ड बिल्कुल भी नहीं की। कैसे लगा मेरा मजाक? तो फिर वो चीज एवेंजर्स का जो मैंने खुद नहीं पर ना ही है, ठीक है। और मुझे पता है कि चार लोग देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है, और मेरे एक और मेरे दो वीडियोस पे 7 व्यूज आ रहे थे। तो फिर उनमें से दो लोग ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देख लेना मैं क्या करूँ। और ये है हमारे आयरन मैन का सूट जो कि लेदर से बना है, और ये एवेंजर्स टावर तो मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूँ। सोच रहे होंगे भाई ये क्या दिखा दिया इसने एवेंजर्स टावर के बाहर में, मुझे यही समझ रहा है। पर तो मैं असलियत नहीं था, तो मैं बाहर जा के दिखा, मैं क्या लग रही क्या कुछ। यही तो है एवेंजर्स टावर का ए, और ये पूरा है पूरा का पूरा टावर जो कि मैंने एक मॉड डाउनलोड किया है, और ये मॉड आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है क्योंकि ये मुझे माइनक्राफ्ट के साथ साथ खुद ही मिला था। कुछ कुछ ऐसे मॉड जो मिल भी जाते हैं, मुझे तो मिला भी है। अब तुम्हें मिला तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे बता दो। लाइक करोगे तो देखो मुझे अच्छे से पता चलेगा, कमेंट करोगे तो फिर मुझे अच्छे से पता नहीं चलेगा। यह छोटा सा टीवी जिसमें हमेशा कंप्यूटराइज चलती है, और ये है थोड़ी सी बातें बातें करने के लिए। और अभी अगर आप ऊपर जाए तो यहाँ पे एक कैसे खड़ा है, कहा है मेरे को तेरी मैं हाँ, नहीं तो कौन कौन सी इंचेंटमेंट लगे हैं मेरे पोपे हकाय का वो आई हकाय का इस पे लगी है लेम अनब्रेकिंग पंच पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और का इन्फिनिटी और ये है एक छोटा सा मीटिंग रूम। ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ब्लॉक अभी अभी नू ब्लॉक नहीं ढूंढ पाते हैं, और मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं देने वाला। अच्छा इसकी कोई रेसिपी नहीं है, सच बताऊँ तो सच कह रहा हूँ रेसिपी नहीं। इसको आपको कमांड से लेना पड़ता है और वो कमांड मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसको पता है भाई वो मतलब हाई लेवल के प्रॉन बहुत पड़ने वाले। और ये वाले ब्लॉक मैंने खुद ही लगाया क्योंकि यहाँ पे ये लगे होने चाहिए थे, ग्लो स्टोन लगे हुए थे वाले पहले। ओ हाँ यहाँ पे स्टार क्लब जाना है, यहाँ पे कोट पहन के जाना पड़ता है, और खाद बिल्कुल खाली। आयरन मैन आ रहे हैं अरे ये क्या किया मैंने, फिर बाद में ठीक कर देना। और ये है स्टार कंटेस्टिंग होलोग्राफिक प्रोजेक्टर V1 वर्जन 1, और हाँ इस ब्लॉक का वर्जन 2 भी आता है। ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है, इसके आगे भी कुछ आता है।
और ये है हल्क के गामा रेडिएशन देने का टेस्टिंग चैम्बर। ऐसे गामा रेडिएशन रहती है तो उसको पावर मिल जाती है। और ये है स्टोरेज केमिकल स्टोरेज टेस्ट फ्यूजिंग चैम्बर। और ये है स्टोरेज एक और, देख रहे हो कितनी स्टोरेज है, इसमें हाथी भी भरा जा सकता है वर्क पर हल्क नहीं भरा जा सकता है, वर्क बेंच स्टोरेज। और ग्रिल्स भी आने वाले हैं। अरे ये तो बताना मैं भूल गया, यहाँ पर लैब कोट करते हैं, यहाँ का उठा लिया था मैंने और यहाँ का अभी पड़ा हुआ, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। डेटा स्टोरेज रूम, डेटा स्टोरेज रूम, अब जाते हैं यहाँ पे एक पासवर्ड डालना पड़ता है वरना देख ये खुलेगा नहीं। अरे खुल गया, रुक जाओ अभी देखने, अभी ये खुलेगा नहीं, तो देखो खुल नहीं रहा, अभी देखना मैं एक मंत्र बोलूँगा अभी देखना। एम्प्लॉयज ओनली, मैं हूँ एम्प्लॉय, अभी देखो खुल गया अरे ये कंप्यूटर, कंप्यूटर फोर, कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए हैं। और आगे आगे का दिखाऊंगा तो तब जब जाओगे सीपी इतने बड़े बड़े, इसमें इनमें से कुछ कुछ वो भी है सुपर कंप्यूटर, पर वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो साइड वाले हैं ना वो सुपर कंप्यूटर है, और ये सारे बीच वाले सीपी हैं। और अगर बाहर से आए जाते तो फिर ये खुलना ही रहता, और यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। और ये है ऑफिस, लेवल मैनेजर्स ऑफिस। मैं यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ करती, पंचर कार्ड है, क्या याद आता है इससे। ये माइनक्राफ्ट के दूसरे वर्जन का स्टोन कटर है, और जो अभी अभी का वर्जन खेलते हैं ना उनको इसके बारे में बिल्कुल याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, पता भी नहीं होगा क्योंकि मैंने तो खेला पहला वाला वर्जन। एक ऐसी रूम है इसका नाम नहीं। और अब आते हैं ये सुपर हीरो के रूम, ये है हकाइज रूम, शोबज ऑफ हकाय के रूम में हमेशा बोले थे ये हकाय, ये हकाय सच कर, ये हकाय। और यहाँ पे है हमारा टीवी, और ये एरो स्टोरेज, फाइन स्टोरेज। यहाँ पे हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अभी हम छोटे हैं, इसे वहाँ पर ऑकवर्ड पोर्शन रखे हुए कैंपस। और अब आता है सबसे मजबूत प्राणी का रूम, आप समझ गए होंगे हल्क, इसके रूल्स भी हैं, चलो पढ़ा दे, गो अवे और आई विल स्मैच यू, हल्क रूल्स मतलब किसी को आने ही नहीं देगा, हल्क रूम की पार्ट और आई विल स्मैच यू। अरे यहाँ पर हल्क है ही नहीं, और यह हल्क का इतना मोटा सा बेड, वरना वो दो बेड पे तो सोया और एक क्या लकड़ियाँ चुभ रही हैं ऐसे करेगा। और अभी अभी आता है वो समय, ये देखो यहाँ पे एच भी लिख रहा है, और अभी आता है वो समय जो है मेरे फेवरेट, नहीं अच्छे थॉर करेंगे, ये अच्छा ब्लैक विडो करेंगे,
मुझे समझ में नहीं आया पिंट, अरे मैंने शायद अभी तक नहीं देखा। द फिंगर बाय बाय जी बाय जी बाय जी बाय बाय जी नया बिस्किट आया पार्ले जी की तरफ रही बाय जी माला काइंड माला काइंड माला काइंड ये मतलब क्या हुआ इसका माला काइंड मैं काइंड और ये कैप्टन अमेरिका का रूम ये एक को देखने से आपको पता चल जाएगा तो मैं तीर घुसा के रखता हूँ क्या कर रहे इधर ही बॉक्सिंग कर रहे क्या ओ इधर दो दो टीवी ये देखो कितना क्या ये चलो इंक्रीज करेंगे स्पीड और ये है उसका बेड ए क्या कर रहे हो तुम इधर ओ हट तेरी ना क्यों अरे 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 क्या है ये क्या ये क्या है ये क्या है अरे आवाज है तो कितने बाप से मिला है ऐसे ही थोड़े ही मैं फिर थोड़ी लोडेड में बन जाता हूँ अब आता है मेरे फेवरेट थॉर का थॉर की बली ये है थॉर का पोर्टल पर ये नकली वाला है इसके अंदर आप जा ही नहीं सकते असली वाला तो वो रहा ये है असली पोर्टल इसके अंदर जाने से मुझे डर लगता है क्योंकि फिर यार पता नहीं है कहाँ स्पॉन होंगे फिर ऊपर से ड्रैगन को भी मारूं और ये है किसका रूम हो सकता है किसका रूम हो सकता है चलो यहाँ से देखो मेरे एक फ्रेंड का फेवरेट भी है पर नहीं फेवरेट था टोनीज रूम आयरन मैन का रूम वैसे मुझे ये समझ में नहीं आया मैंने बनवा क्यों रखा कौन हंसा क्या आयरन मैन क्या था क्या वो भाई इसने भी टीवी लगा रखा है और नहीं इसके सूट तो दिखाई नहीं आपको ये है सबसे पुराना सूट ये है लेटेस्ट सूट और ये है अरे डार्क वाले कैनो सूट नहीं रखा क्या मैंने डार्क वाले कैनो सूट तो रखा ही नहीं चलो डार्क वाले कैनो सूट भी रख सकते हैं आयरन चाहिए सबसे पहले आयरन का ब्लॉक तो है इसमें और क्या चाहिए था मैन विद राइट कॉर्नर ये है मेरे पास क्या है सर कौन ये विच की आवाज़ है शायद से पता नहीं कहाँ है और आर्मर स्टैंड अरे हाँ सबसे जरूर क्या कर रहा है तू कर क्या रहा है तू अच्छा ग्लास को तोड़ने से याद आया ग्लास भी तो चाहिए था एक दो तीन इधर भी आयरन रखते हैं
इधर भी ग्लास रख देते हैं। चलो तो मैं एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है देखना, रुक जाओ अभी यहाँ पे ग्लास टाइम में, ठीक है। अभी क्या देखा था तुमने, अंदर ग्लास थे? पर नहीं, ऐसा तो नहीं है, अंदर गिलास ही नहीं है। नहीं ऐसा ही है, ये देखो अंदर है गिलास, नहीं ऐसा कर दिया ना कन्फ्यूज। वैसे जिन जिन लोगों को पता, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये क्या है, इट इज शीशा मैजिक, शीशा मैजिक। अरे क्या है, क्या कर क्या रहे तू चुन्नी लाल, ये पूरा टारिक सूट। टीने ये कौन सा ब्लॉग है, वॉलिस्ट एंड साइट। सिर्फ पू लिखना है, पू लिखना है, पू लिखना है, सुन लिया ना, पू लिखना है। पू लिखना है। और ये है हमारे रनमैन का डार्क होल कैनन शूट। बेकार बेकार, ओ ओपी। 17 मिनट्स के हो, देखो यहाँ पे आई भी लिखा है बिग्लू स्टोन्स। मैं सोच रहा था सीलन से लिखूंगा, लिखा होगा। वाह ये है बेकार, टेंशन 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 शेल। इसमें एक बार बहुत तबाही हुई थी, यहाँ पे एक बार लौकी, यहाँ पे एक बार लौकी कह दिया था, और यहाँ पे भी एक बार लौकी कह दिया था, बहुत सारे अपराधी कह दिए थे यहाँ पे, फिर सारे सारे के सारे इन्फिनिटी वन के अच्छे छुमंत्र हो गए, छुमंत्र कलंदर अंतर। तो फिर अब ये आज का लास्ट होगा, सेंट्रल सिक्योरिटी रूम, इसमें सब कुछ बकवास बकवास बकवास। ये यहाँ पे है, देख तुझे मैं बिना तीरों को मार के दिखाऊँ, देखो देखेगी देखेगी, देखो मेरे पास तीर नहीं है। इग्नोर किसको कर, कैसे मेरा ही निशाना खराब है। तो खाली बॉटल, तो फिर आज के लिए इतना ही।